उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार अधिकारी का तबादला हो गया। बुलंदशहर की सीओ श्रेष्ठा सिंह अब बुलंदशहर की सीओ नहीं रहेंगी। अब ऐसा हुआ क्यों, क्या उन्हें ईमानदारी की सजा मिली या फिर कोई और कारण है, आपको बताते हैं। हमसे बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, ऐसे आदमी भाजपा के आदमी है नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगे तो भाजपा के गुंडे। पहली बार जब ये तस्वीर आई थी तो सबने कहा था ये तो योगी जी की लेडी संगम है, सबने सराहना की। उत्पाती बीजेपी समर्थकों को लेडी सिंघम ने क्या धमकाया, 10 दिनों में ही तबादला कर दिया गया। तेईस जून को बुलंदशहर की सीओ श्रेष्ठा सिंह की बीजेपी नेताओं से बहस हुई। बहस इस बात को लेकर कि हेलमेट ना पहनने पर बीजेपी नेता प्रमोद लोधी का 200 रुपए का चालान काट दिया और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। बीजेपी नेता के समर्थकों ने कोर्ट के बाहर ही हंगामा किया तो सीओ श्रेष्ठा सिंह के तेवर चौंकाने वाले थे। ठीक 10 दिन बाद ही श्रेष्ठा सिंह का तबादला कर दिया गया, उन्हें बुलंदशहर से बहराइच भेज दिया गया है। और फालतू की बात नहीं, इतना चालान का झगड़ा यहाँ कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? चालान के नाम तो 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं सबके साथ ही, और ये क्यों मिल रही है इस वजह से? कोई नहीं मांगता, सिर्फ आपको शिकायत है, और किसको शिकायत है? किसी को नहीं शिकायत, सबको है, सभी जो खड़े हैं ये जो आए हैं इसीलिए तो आए हैं। सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। सवाल उठ रहा है कि क्या ये ईमानदारी से ड्यूटी करने की सजा है या फिर महज इत्तेफाक? क्या पुलिस अफसरों पर नेता भारी पड़ रहे हैं? बुलंदशहर के जिस इलाके में बीजेपी समर्थकों ने हंगामा किया था उनके बीजेपी विधायक देवेंद्र लोधी ने उस वक्त कहा था सीएम योगी से सीओ साहिबा की शिकायत करेंगे। पता नहीं योगी जी का कान कैसे भरा, लेडी सिंघम का 10 दिन में तबादला हो गया। ऑफिस की बात है, कचहरी में करने वाली नहीं है, और जितने लोग हैं सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नहीं आप सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेज दो अभी, सबको। हालांकि श्रेष्ठा सिंह का अकेले ट्रांसफर नहीं हुआ, उनके अलावा बुलंदशहर के 4 और सीओ भी बदल दिए गए हैं। यूपी में कुल 234 पुलिस अफसरों के तबादले हुए हैं। ऐसे में दलील दी जा रही है कि सीओ श्रेष्ठा सिंह का तबादला भी रूटीन हिस्सा है, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है। कहीं श्रेष्ठा सिंह की ईमानदारी उन पर भारी तो नहीं पड़ गई? हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसा से बदतमीजी कर रहा है, ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगे तो भाजपा के गुंडे। मुकदमा ठोक दूंगी 354 का, ठोक दो आप, सब तक मैं वहाँ खड़ी हूँ। अगर आप लोग जो करोगे वो लगेगा, और ये 50 तब भी चढ़ने वाली नहीं हूँ। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। तो उत्तर